तस्माद सक्तः सततम कार्य कर्म समाचर अनासक्तो वाचरंत कर्म परमात्मोति पुरुषः। श्रीमद्भागवत गीता के तीसरी अध्याय से लिए गए इसी 19वीं श्लोक का अर्थ है कि किसी आसक्ति ही पतन का कारण बनती है, ना कि कर्म। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम सुख भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है। इसी प्रकार जड़ता से आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही मनुष्य के बारंबार जन्म मरण का कारण भी होती है। इसीलिए 13वें अध्याय की 21वें श्लोक में भगवान फिर से कहते हैं, कारणम गुणसंख्यस्य सदस्य धो निज जन्मासु। अर्थात आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाले का जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। आसक्ति वाला मनुष्य दूसरे का हित नहीं कर सकता है, जबकि आसक्ति रहित मनुष्य से स्वतः स्वाभाविक परिमात्र का हित होता है। उसके सभी कर्म केवल दूसरे की हितार्थ होती है, क्योंकि संसार में मनुष्य के दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण उसका आसक्त होना है। वो किसी के भी प्रति आसक्ति रखता है, चाहे भाई बहन, माता पिता, भाई बंधु, पति पुत्र, पौत्र या किसी वस्तु के प्रति, तो उसके बिछड़ने या समाप्त होने का या खो जाने पर दुख का सामना करना पड़ता है। दुख का एकमात्र कारण है कि हम आसक्त हैं, हम बद्ध हैं। और इसीलिए गीता में कहा गया है कि निरंतर कर्मरत रहो, निरंतर कर्मरत रहो, किंतु किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं रखना है, बंधन में नहीं पड़ना है। प्रत्येक बंधन या वस्तु से खुद को स्वतंत्र बना लेने की शक्ति स्वयं में समाहित रखना चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति या वस्तु तुम्हें कितना भी प्यारा क्यों ना लो, तुम उसके लिए चाहे जितने भी लालायित क्यों ना हो, उसे त्यागने में चाहे जितना भी कष्ट क्यों ना हो, फिर भी अपने इच्छा अनुसार उसे त्यागने की शक्ति कभी मत गंवाना। क्योंकि त्याग की शक्ति नष्ट हुई तो आसक्ति प्रकट होगी, जो कि हमें दुर्बल बना देगी। और दुर्बलता से ही मनुष्य गुलाम बन जाता है मित्रों। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य पर भी सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक दुख आ जाता है। इसे वैज्ञानिक तौर पर समझने की कोशिश करें हम तो हमारे पास लाखों करोड़ों जीवाणु और विषाणु मंडरते रहते हैं, लेकिन जब तक हमारी रोग प्रतिरक्षण क्षमता है बनी रहती है, हम बीमार नहीं पड़ते हैं। लेकिन किसी वजह से हमारा ह्यूमन सिस्टम कमजोर पड़ता है तो ये रोगाणु विषाणु तुरंत हमें अपना शिकार बना लेते हैं। और इसीलिए किसी भी कर्म में आसक्ति सदैव त्यजना चाहिए। जैसे सत्य हरिश्चंद्र नाटक में हरिश्चंद्र बना हुआ व्यक्ति हरिश्चंद्र की सब क्रियाएं करते हुए भी वास्तव में अपने आप को उन क्रियाओं का कर्ता यानी वास्तविक हरिश्चंद्र नहीं मानता। ऐसे ही कर्मयोगी शास्त्र विहित संपूर्ण कर्म को करते हुए भी वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी शरीर आदि सब तत्वों को एक स्वार्थ की तरह अपना और अपने लिए ना मानकर उन्हें संसार को मानते हुए संसार की ही सेवा में लगाते हैं। अतः किसी भी अवस्था में कर्मयोगी में किंचित मात्र भी कर्तृत्वाभिमान नहीं रह सकता है। कर्मयोगी जैसे कर्तृत्व को अपने में निरंतर नहीं मानता है, ऐसे ही
माता पिता स्त्री पुत्र धन संपत्ति मकान दुकान जमीन ये सब सात संबंध भी निरंतर नहीं मानता, सिर्फ ईश्वर, सिर्फ ईश्वर से अपना संबंध जोड़कर चलना होगा। और वास्तव में देखे और वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य के भी अंतकरण में आसक्ति निरंतर एक ही स्वरूप में नहीं रहती। जब संसार निरंतर नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, तब उसकी आसक्ति निरंतर कैसे भला रह सकता है। ऐसे होते हुए भी माने हुए अहम को साथ आसक्ति निरंतर रहते हुए प्रतीत होती है, लेकिन उसके कारण उसकी कारण बदलते जाते हैं। जैसे बचपन में माता पिता से, युवावस्था में पत्नी से और वृद्धावस्था में संतान के प्रति आसक्ति होती है, इसी प्रकार की मित्रों धन यश आदि समय समय पर आसक्ति में डालते हैं। वध मनुष्य में आसक्ति अपना रूप बदलती रहती है लेकिन नष्ट कभी नहीं होती। और इसीलिए भगवान ने अनासक्त भाव से कर्म करते हुए सख्य भाव में रहने का आदर्श दिया है गीता में। अर्थात सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके स्वयं मुक्त हो जाना, और यही मुक्ति का एक लौता मार्ग है मित्रों। इसी को ही हमको याद रखना पड़ेगा और इसी के साथ ही हमको अपना जीवन निभा देना पड़ेगा, और यही आज का गीता का रहस्य है। फिर अगली बार गीता का दूसरे तत्व मैं आपके सामने रखूंगा। जय श्री कृष्ण।